और बात कैबिनेट की बैठक की, गहलोत कैबिनेट की बैठक इस बार कोटा में होगी। सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में बैठक संभव है। कोटा स्थित ऑक्सीजोन के शीश महल में तैयारियां की जा रही हैं। मंत्री तैयारियां होंगी। मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सीएम तारीख तय करेंगे। कांग्रेस विधायकों की भी कोटा में बैठक होगी। रिवर फ्रंट और ऑक्सीजोन का यहाँ उद्घाटन किया जाएगा। अगले महीने दो दिन कोटा में रहेगी गहलोत सरकार। सीएम तारीख तय करेंगे। सितंबर के पहले सप्ताह में बैठक हो सकती है मंत्रिमंडल की बैठक इस बार कोटा में। कैबिनेट की बैठक इस बार कोटा में। गहलोत कैबिनेट की बैठक सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में होगी और तैयारियां कोटा में की जा रही हैं। कोटा स्थित ऑक्सीजोन के शीश महल में तैयारियां की जा रही है और शांति धारीवाल ने कह दिया है कि भाई मुख्यमंत्री पहले तारीख तय करेंगे, बताया जाएगा, उसके बाद ये बैठक होगी। लेकिन अब जब ये तो कन्फर्म है कि सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में ये बैठक होगी तो उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। कोटा में बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। उस माहौल के अंतर्गत जो है सीएम अपनी तारीख बताएंगे। उस तारीख के ऊपर जो है वो लोकार्पण होगा। एक तो रिवर फ्रंट का लोकार्पण होगा। रिवर फ्रंट का तो सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम चलेगा। और दूसरा जो सिटी पार्क ऑक्सीजन बनाया है उसका लोकार्पण होगा। उसी सिटी पार्क ऑक्सीजन में ही जो आपका ये शीश महल बना है, आपका शीश महल में कैबिनेट की मीटिंग होगी। मोहन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सितंबर के पहला सप्ताह या दूसरा सप्ताह, लेकिन जगह कोटा इस बार कैबिनेट बैठक के लिए। शशि, सुमित, मंत्री शांति धारीवाल भगई पहला या दूसरा सप्ताह कहने की बात कह रहे हो क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बैठक की तारीख तय होनी, लेकिन यूडीएच विभाग ने जो प्रारंभिक प्रस्ताव भेजा है वो 3 और 4 सितंबर का भेजा है। दो दिन का कैबिनेट का और विधायकों का स्टे कोटा में हो सकता है। कोटा दरअसल जो नई शुरुआत की गई है रिवर फ्रंट की हो या ऑक्सीजन पार्क हो, उसमें एक शीश महल भी बनाया है। जो शीश महल बनाया है उसी शीश महल में कैबिनेट की बैठक होना प्रस्तावित है। शांति धारीवाल ये कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक भी वहां पर हो सकती है, कांग्रेस के विधायक दल की बैठक। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तय करना है। इसके साथ में देखिए विदेशों के जो राजनयिक होते हैं वो उनको भी धारीवाल कोटा बुलाना चाहते हैं। दरअसल इसका एक मैसेज अलग है। कोटा में पिछले दिनों जो डेवलपमेंट वर्क्स हुए हैं, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी नंदी प्रतिमा हो, शिव प्रतिमा हो, मार्बल की प्रतिमाएं बनी हैं, बड़ा घंटा भी वहां पर लगाया गया है। धारीवाल कहते हैं कि ऐसी घंटा है ये कि ये बजेगा तो 8 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई देगी। हालांकि कई बार कभी कभी चीजों की तारीफ करने में कुछ अतिशयोक्ति भी हो जाती है, लेकिन यूडीएच मंत्री का फोकस कोटा पे रहा है और कोटा उनके दिल के नजदीक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो डेवलपमेंट हुए हैं वहाँ टूरिज्म कैसे लाया जा सके, इसको खास तौर से फोकस करने के लिए विदेशी राजदूतों की, राजनयिकों की एक टूर तैयार की जा रही है, लेकिन उसकी तारीख अभी तय नहीं है। 6 सितंबर के आसपास उस टूर को करने का प्रस्तावित था, लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिकी राजदूत व्यस्त हैं और उन्होंने नई तारीख शेड्यूल करने के लिए कहा है, तो इस पर भी एक्सरसाइज चल रही है। लेकिन कोटा में कैबिनेट की बैठक कराना धारीवाल के लिए भी उपलब्धि होगी क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार में जयपुर से बाहर कोई, मुझे ध्यान नहीं आता कि कोई बहुत ज्यादा अवसर हुए होंगे जब जयपुर से बाहर कैबिनेट की बैठक बुलाई। हाँ, सवाल यही था मेरा अगला शशि कि कोटा में इस बैठक को करवाना, और लाजमी सी बात है धारीवाल का ही ये सुझाव रहा होगा, शांति धारीवाल का। कोटा में इस बैठक को करवाने का उद्देश्य क्या, मजबूती, टिकट की दावेदारी और तमाम चीजें भी देखी जाएंगी? टिकट की दावेदारी शांति धारीवाल ब्लॉक स्तर पर जो बैठे हुए उसमें जता चुके हैं। कोटा उत्तर से टिकट मांग रहे हैं और उनके पुत्र अमित धारीवाल भी कोटा उत्तर से टिकट मांग रहे हैं। दोनों हालांकि तस्वीरों में साथ दिखते हैं लेकिन दोनों एक ही सीट से टिकट मांग रहे हैं। अब इस मुद्दे को किस नजरिए से देखा जाए, क्या धारीवाल अगली पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं इस नजरिए से देखा जाए, या पिता अपने या पुत्र अपने पिता को चुनौती दे रहे हैं, उनकी टिकट को चुनौती दे रहे हैं इस नजरिए से देखा जाए? तो जो पहली बात है वो ज्यादा तर्कसंगत इसलिए लगती है क्योंकि 25 सितंबर को जो बीते 25 सितंबर को कैबिनेट विधायक दल की बैठक होने वाली थी वो नहीं हो पाई।
उसमें कई विधायक शांति धारीवाल के घर पहुंचे थे, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष टीपी जोशी के घर भी पहुंचे थे, विधायकों ने अपने इस्तीफे का प्रस्ताव भी विधानसभा अध्यक्ष को दिया था। तो इस सारे घटनाक्रम के बाद से अनुशासनहीनता का नोटिस यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को मिला हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री के नाते उनके घर बैठक बुलाई गई थी और जो किसी तरीके से शेड्यूल नहीं थी, तब ऑब्जर्वर के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे जो एआईसीसी के अध्यक्ष हैं, और अजय माकन तब प्रदेश महासचिव हुआ करते थे, राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी हुआ करते थे पीसीसी के। तो ठीक, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए। शशि मोहन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े, सितंबर के पहले या दूसरे, हालांकि शशि बता रहे हैं कि 2 या 3 तारीख फिक्स हो चुकी है, लेकिन शांति धारीवाल कह रहे हैं कि सितंबर के पहले दूसरे सप्ताह में ये बैठक, कैबिनेट की बैठक कोटा में होगी।